हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कल अपने मैथ्स का एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड में। तो ये वीडियो बहुत ही जरूरी है आप सभी को देखना, क्योंकि आज आपका फिजिक्स का एग्जाम हो गया है और कल जो है कल आपका मैथ्स का एग्जाम होगा। और मैथ्स के एग्जाम में आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, इन बातों को आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम में जाके ऐसे ऐसे गलतियाँ करते हैं ना कि जिसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, देखने के बाद आपको इसे फॉलो करना है। एग्जाम टाइम में पक्का गारंटी देता हूँ बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा आपके मैथ्स एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा और बहुत ही अच्छा मार्क्स लाओगे। ओके, तो देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा डरना मत, क्योंकि डर बहुत लगता है एग्जाम्स में कि मैथ्स का एग्जाम है क्या होगा नहीं वो नहीं। देखो मैथ्स का एग्जाम जो है ना, बिहार बोर्ड भी सोच रखा है कि हमें सारे बच्चे को पास करना है। सारे बच्चे इस बार पेंडेमिक था, ये कोरोना वायरस था, इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं वो बनाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाने वाला। वो भी जानता है कि सारे बच्चे एकदम पढ़ के नहीं बैठे हुए हैं, तो क्या करेगा वो इस बार आसान से क्वेश्चन सेट करेगा, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेगा। और सबसे अच्छी बात तो आप लोगों को इस बार ये है कि आपको अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से बस 50 क्वेश्चन करने हैं, मतलब MCQ जो है आपका बहुत ही आसान होने वाला है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा, मतलब 10 क्वेश्चन मिले तो उसमें से 5 करो, यानी कि 2 गुना मिलेगा, उसमें से आधा करना है। तो समझो कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छा ये। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले MCQ लगाते टाइम किसी और का चोरी मत करना। देखो जो खुद आता है पहले उसे करना, उसे करने के बाद देखो चोरी करना है ठीक है, नहीं समझ में आता है कुछ इधर उधर, अगर समझ लो कि बगल में कोई बंदा बैठ के बना रहा है क्वेश्चन, OMR sheet पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर रहा है, तो आप क्या करोगे, अरे वो तो भरते जा रहा है मतलब वो उसको आता होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है वो गलत बना रहा हो, क्या पता। इसीलिए पहले सबसे पहले क्या करना, अपना जो आता है खुद से आपको उसे करने की कोशिश करना, उसके बाद ही किसी और से देखना, ये सबसे मेन चीज़ है। MCQ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन देंगे आपको, 50 करने हैं, सोचो कितना आसान है। और वो सारे क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ बहुत ही आसान होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला सवाएगा कल एग्जाम में आपके। ओके, तो ये बात ध्यान रख के जाना कि MCQ करते टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते टाइम किसी और का मत देखना, और साथ ही साथ आप लोग अपने से करना और जो भी हो वो उसके बाद देखना जब आपका अपना हो जाए। ओके, अब आते हैं बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हो कि सोचते हो कि पहले क्या करते हैं ना, जो लॉन्ग वेटेज वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है उसे कर ले। देखो इससे क्या होता है ना कि आपको यहाँ पे देखो और वाले क्वेश्चन दिया रहता है कि ये करो या फिर ये करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, 7 में क्या करेगा, एक क्वेश्चन और लगा के एक दूसरा क्वेश्चन देता है कि दोनों में से एक करना है। तो आप लोग ये डिसाइड अच्छे से करना कि इन दोनों में मुझे कौन सा करना है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपको कुछ टाइम मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए तो उस टाइम में डिसाइड करके एकदम बैठ जाना कि हाँ मुझे यही करना है, इन दोनों में से ये दो पढ़ने को मिला है, इस दोनों में से एक करना है तो मैं यही करूंगा, मेरे को ये पूरा अच्छे से आता है। क्योंकि ऐसा होता है कि आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले शुरुआत करते हो कहाँ से, ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन से, कि पहले मैं बड़े बड़े क्वेश्चन को कर लेता हूँ अच्छा रहेगा। देखो ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी शुरू करो, चाहे आपका छोटा सा क्वेश्चन से शुरू करो या ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन से शुरू करो, 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले या 5 मार्क्स करो, उससे कोई नहीं, आपको कितना आता है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो आप लोग को वो क्वेश्चन चूज करना है जो आपको अच्छे से आता है, उससे शुरू करना है, वो सेक्शन चूज करो जो आपको अच्छे से आता है। क्योंकि आप लोग जब क्या करोगे और वाले क्वेश्चन में, अगर मान लो आप लोगों ने 2 क्वेश्चन दिया उसमें से बड़ा 5 मार्क्स या 7 मार्क्स जो भी क्वेश्चन है उसे आप लोगों ने चूज करा, ओके, तो अब क्या होगा कि आप लोगों ने चूज करा और उसे स्टार्टिंग में, मतलब सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन का आंसर शीट का पहला पेज है उस पर आप लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, बना रहे हो और बीच में जाकर फंस गए तो क्या होगा, आप काट दोगे। तो स्टार्टिंग में ही जब कटा हुआ दिखेगा तो कितना बेकार लगेगा आपका आंसर शीट, सोचो जब एग्जामिनर जो है चेक करेगा आपका क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले इसको दिमाग में ये आएगा कि बंदा सही में से पढ़ा नहीं है, मतलब अच्छे से आता नहीं, कुछ भी भर रहा है। इसीलिए जो जो क्वेश्चन पहले बहुत ही अच्छे से आता हो उसी को करने की कोशिश करना, वो सेक्शन उठाना जिससे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले और वो आप लोगों को अच्छे से आता हो। ओके, तो अच्छा लगेगा ये ट्रिक आजमाना, और साथ ही साथ चोरी वगैरह मत करना, क्योंकि देखो हाँ करना अगर आपके पास टाइम है लास्ट में, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि नहीं करना अगर आपको अच्छे से आता है तो। हाँ, अब कुछ बच्चे होते हैं ऐसे भी जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता और उन्हें पास करना है तो उन्हें वो मजबूरी में कर लेते हैं, तो देखो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिलता है टाइम तो कर लेना, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग ना करो, लेकिन अगर आता है तो फिर अपने मन से करना, किसी और का मत देखना, ये याद रखना।
साथ ही साथ आप लोग को जो अच्छे से आता हो उसी को शुरू करना। कोई कोई बोलता है कि पहले जो है बड़ा क्वेश्चन करेंगे, कोई कहता नहीं पहले शुरू से करेंगे उसके बाद लास्ट में, जो आपको अच्छा आता है वही करना। किसी के ऊपर कोई टीचर आपको बोला हो कि भाई आप लोग क्या करना पहले बड़े से शुरू करना फिर छोटे छोटे मार्क्स वाले क्वेश्चन करना, नहीं, आपको जो आता है वही करना स्टार्टिंग में, ओके। जो कि जिससे क्या होगा आपका जो आंसर सीट है ना अच्छा लगेगा देखने में, और आप लोग टाइम को अच्छे से मैनेज करना कि मेरे को इस सेक्शन में इतना टाइम देना है, ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, तो इस सेक्शन में मैं इतना टाइम दूंगा, सेक्शन बी में इतना, तो ये सब ध्यान रख के जाना। और साथ ही साथ जो है अपने आप को ज़्यादा मोटिवेट रखना, मतलब ज़्यादा डरना मत, डरोगे ना तो क्या होगा ना कि जो क्वेश्चन आता भी है ना वो भी छोड़ के आ जाओगे, तो डरना बिल्कुल भी नहीं, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके जाना। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से लिख के आओगे एग्जाम को, ओके। तो मैथ्स का एग्जाम है, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को आसानी से कर लोगे। आप लोग बस क्या करना है, मोटिवेट करना खुद को, अपने आप को मोटिवेट रखना कि हाँ मैं कर लूँगा, और साथ ही साथ आप लोग को क्या करना है जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है वो करना, और टाइम का ध्यान रखना कि टाइम जो है कितने टाइम में मेरे को कितने क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको देखो एक तो बहुत ही आसान है कि कोरोना वायरस के कारण आप लोगों को क्या कर दिया कि ज़्यादा मतलब क्वेश्चन दे रहा है और कम ही उसमें से करने हैं, मतलब 100 क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसमें से 50 करने, तो सोचो इसमें से तो 50 बन ही जाएंगे, जो थोड़ा सा भी पढ़ा है ना उसको आसान है, उसके लिए इस बार एग्जाम बहुत ही आसान है और आसान सा क्वेश्चन भी बनाएगा इस कोरोना के कारण, ओके। क्योंकि जानता है बिहार बोर्ड की सबको पास कराना है इस बार, ये नहीं है कि क्योंकि उसे भी नहीं पता कि कौन बच्चा पढ़ने वाला था नहीं था, सबके लिए उस बार वो ऐसा क्वेश्चन बना रहा है कि आप सब लोग पास हो जाए, अच्छे मार्क्स लाओ, ओके। और साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग जितने भी फिगर बनाओ या फिर डायग्राम बनाओ या फिर ग्राफ बनाना होता है वो सब अच्छे अच्छे से बनाना, एकदम क्लियर बनाना कि समझ में आए चेक करने वाले को, एग्जामिनर को। ऐसा नहीं हो कि मतलब ऐसे कटकुट करके बना दिए हो कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बनाया है बंदा, तो अच्छे से पूरे एग्जाम में साफ सफाई से लिख के आना, अच्छा लगेगा फिर एग्जामिनर को भी चेक करने में और मार्क्स भी खुश होकर बहुत ही अच्छे से देगा, ओके। तो आई होप कि इस तरह से आप लोग करोगे, एग्जाम को लिखोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू मैथ्स एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।